हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। देखो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एबीसी। बोला कि डी कोई पॉइंट है बीसी साइड में, इस तरीके से है कि बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। मान लो ये मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ए को मैंने ज्वाइन कर दिया डी के साथ, जो बी डी वाला पार्ट है वो ए सी का कितना है 1/3 है। प्रूफ दैट 9 AD square इक्वल होगा 7 AB square के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन पार्ट, जो हमारे पास गिवन है। मैंने लिखा ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने तीनों साइडों को मान लिया, लेट ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों को मान लिया एक्स, कि तीनों साइडें मेरी एक्स हैं, ठीक है। फिर हमें रिलेशन गिवन है बी डी का, बी डी इक्वल है बी सी बाय 3, ठीक है। और हमें 2 प्रूफ करना है, 9 AD का स्क्वायर इक्वल 7 AB का स्क्वायर, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के देखो तरीका क्या होगा। मैं इसके लिए करूँगा कंस्ट्रक्शन। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर नाम रख दिया मैंने AE अपॉन में BC। एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस पे, और इस पे क्या बनाया था 90 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। क्यों होता है मैं आपको बता दूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल। ये मैंने एक्स माना है, ये भी कितना होगा एक्स होगा, ये भी हमारा एक्स होगा। अगर बात की जाए ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, देखो ये 90 डिग्री इधर बनाता है तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, दोनों में 90 डिग्री है। जितना AB है उतना AC है, दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है। AE इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, AE इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो बनते हैं AEC और ABE दोनों बनते हैं बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट होते हैं इक्वल, जिस वजह से BE बराबर होगा CE के, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, जो AE है, AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, जिसकी वजह से जितना हमारा BE होगा उतना ही हमारा कौन होगा, CE होगा। BE इक्वल होगा CE के, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BC के। इसे मैंने x मान लिया, डिवाइड कर दे 2 का, ये भी हमारा x बाई 2 होगा, और ये भी क्या होगा हमारा x बाई 2 होगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूँ ABE। ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये हमारा x है, और ये वाला जो पार्ट है ये x बाई 2 है। तो इस दोनों की हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ AE, ठीक है। तो मैंने लिखा इनर ट्रायंगल ABE, इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज एक्स, BE x बाई 2, इन दोनों से हम निकाल लेंगे AE। x square 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, AE का स्क्वायर पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, AE का स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 4x square माइनस में x square, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3x square upon 4 AE। इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे जाएगा अंडर रूट। देखो 3 है,
थ्री का अंडर रूट नहीं होता, इसलिए अंदर ही रहेगा अंडर रूट के। एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट में क्या होता है, जिसका स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को कटवा के बाहर निकल जाता है। फोर है, फोर का अंडर रूट कितना होता है टू, तो नीचे आ जाएगा टू। ये होगी हमारी ए ई की वैल्यू। इतना होने के बाद हमारे पास एक रिलेशन भी गिवन है बी डी का, बी डी इक्वल है बी सी अपॉन में थ्री। बी सी टोटल कितनी है एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन में थ्री। इतना करने के बाद हमारा जो रिलेशन है बी ई का, देखो बी ई है ना दो चीज़ों से मिलकर बनी है, पहली बी डी, दूसरी डी ई। तो बी ई इसकी वैल्यू कितनी है एक्स बाई टू, बी डी ये वाली वैल्यू बी डी की, ये हमें मालूम बी डी क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है बी सी बाय थ्री। बची कौन मेरी डी ई, इसको एज इट इज रहने दो। बी सी कितनी है एक्स बाय थ्री, पॉजिटिव का दूसरी तरफ जाएगा इसको आ जाएगा नेगेटिव का। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ डी ई की, दोनों का एलसीएम लिया सिक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री को एक्स से किया, टू को एक्स से कर दिया, थ्री में से टू माइनस किया वन एक्स अपॉन में सिक्स। लो जी मैंने डी ई की वैल्यू निकाल ली और ए ई की निकाली। ये मेरे निकालने के पीछे पर्पज़ था क्या, मेरा जो ट्रायंगल है ए डी ई, इस ट्रायंगल को अगर मैं पाइथागोरस लगा के सॉल्व करूँगा तो मेरा ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी पहले परपेंडिकुलर ए ई की, जो मैंने यहाँ पे निकाल ली। दूसरा हम मेरे को ज़रूरत थी डी ई की, जो मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब मैं इसके अंदर इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल लिया ए डी ई, जिसके अंदर ए ई मैंने निकाला अंडर रूट थ्री बाय एक्स अपॉन में टू, और डी ई ये मैंने निकाला एक्स अपॉन में सिक्स। अब इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस इन ट्रायंगल ए डी ई यूजिंग पाइथागोरस। नंबर डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला बेस, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए डी, ए डी को रहने दो एज इट इज़। डी ई कितना है एक्स बाय टू, ए ई देखो ए ई का स्क्वायर आ रहा है ना, तो चाहें तो हम डायरेक्टली इसकी ए ई स्क्वायर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर माइनस किया था, चार में से क्या था कितना आया था थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में फोर, ये ए ई स्क्वायर की वैल्यू है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसी वैल्यू को लेकर सॉल्व करूँ तो आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अंडर आंसर वही आएगा अंडर रूट थ्री बाय टू एक्स, इसका स्क्वायर है ए डी का स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को टू को टू से किया फोर। अब अंडर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट थ्री के साथ, पावर एक और एक कितनी हुई दो, दो उसके स्क्वायर कट जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा थ्री। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर, क्योंकि स्क्वायर तो पूरे नंबर पे ही है तो सभी नंबरों का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो आंसर वही आया थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो चाहो तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हो, ए डी का स्क्वायर दोनों का भी सेम है, यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी मेरी डी ई की वैल्यू एक्स अपॉन में सिक्स है, मैंने गलती से टू लिख दी यहाँ पे, ये सिक्स है, सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स आएगा, ठीक। तो यहाँ लिखा मैंने ए डी का स्क्वायर, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे थर्टी सिक्स आ जाएगा। तो थर्टी सिक्स में थर्टी सिक्स का डिवाइड दिया वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, फोर में थर्टी सिक्स का डिवाइड दिया नाइन, नाइन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर के साथ, ये हुआ ए डी का स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स, वन और ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन, ट्वेंटी एट एक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स, दोनों में फोर का डिवाइड जा रहा, फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स, सेवन एक्स स्क्वायर अपॉन में नाइन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा नाइन ए डी का स्क्वायर सेवन एक्स का स्क्वायर। हमारी जो साइड आ रही थी देखो नाइन ए डी स्क्वायर तो आ रहा है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है प्रूफ करने वाले पार्ट में ए बी आ रहा है। देखो जो ए बी है वो कितनी हमारी एक्स है, तीनों साइडें तो सेम ही है, ठीक है। तो मैं एक्स की जगह ए बी को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया ए बी को, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। नाइन ए डी का स्क्वायर इक्वल होगा सेवन ए बी के स्क्वायर के,
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।